दोस्तों आज बताऊंगा न्यू BS6 मॉडल महिंद्रा थॉर AS डीजल जो है इसकी प्राइस सब जो है अलग हो सकता है। मैं दिल्ली शोरूम का बता रहा हूँ। ऐसे सीरीज और सब आरतीयों मिलाकर लगभग 10.5 लाख की पड़ जाती है जो BS6 मॉडल 2020 है। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं। बेल बटन से जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को हमेशा मिलती रही। और दोस्तों ये रही महिंद्रा थार जो काफ़ी शानदार है। इसकी 2184 cc की है और अधिकतम पावर इसमें 130 bhp और 3750 rpm जाती है। अधिकतम टॉर्क इसमें 300 Nm और 1600 से लेकर 2800 rpm मिल जाती है। सिलेंडर की संख्या 4 मिल जाती है। वर्ल्ड प्रति सिलेंडर की संख्या 4 मिल जाती है और टर्बो चार्जर मिल जाता है और ड्राइवर टाइप 454 मिल जाता है और फ्यूल सप्लाई डीजल मिल जाती है। BS4 मॉडल है और सामने पर बात करें तो दो वाइपर मिल जाते हैं। सामने महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और ग्रिल काफ़ी अच्छी दी गई है और हेडलैम्प मिल जाता है और थॉर की बेजी मिल जाती है जो काफ़ी शानदार है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3930 mm की है और चौड़ाई 1726 mm है और ऊंचाई 1930 mm है। व्हील बेस 2430 mm है। ग्राउंड कंडीशन इसमें 200 Nm है और बूट स्पेस इसमें 60 लीटर है। और अंदर पर बात करें तो डैशबोर्ड में स्टेयरिंग पास महिंद्रा का लोगो मिल जाता है जो ग्रिल काफ़ी अच्छी दी गई है और वाइपर के लिए मिल जाता है। हेडलैम्प के लिए मिल जाता है जो काफ़ी शानदार मिल जाता है और सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो 226 mm का रहता है और रियर ब्रेक दम ब्रेक मिलता है पीछे साइड जो 282 mm का रहता है। सामने डिस्क मिल जाता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और टायर की बात करें तो P 235/17R16 मिल जाता है और पीछे साइड पी रियल की जो बात टायर मिल जाता है P 235/17R16 मिल जाता है आगे पीछे दोनों का। और अंदर की ओर मैं बात कर रहा था, तीन दरवाजे मिल जाते हैं, विद्युत धातु के पहिए मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम के लिए मिल जाता है, टच स्टेयरिंग स्क्रीन मिल जाती है जो काफ़ी नया लुक देखने को रहता है और USB चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, उसमें USB पोर्ट करवा सकते हैं। AC सिस्टम काफ़ी अच्छा दिया गया है, 5 सीटर की है जो काफ़ी शानदार दिखाई देती है। महिंद्रा थॉर SUV भी इसको कह सकते हैं और काफ़ी पावरफुल मिल जाती है। 1 लीटर वाटर होल्डर मिल जाता है बगल में और हैंड ब्रेक मिल जाता है, हैंड ब्रेक के पास भी वाटर होल्डर मिल जाता है और वाइपर के लिए ही स्विच मिल जाती है, आप अप डाउन कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम के लिए साउंड मिल जाता है जो काफ़ी शानदार रहता है और ग्राफिक भी काफ़ी अच्छी की गई है जो काफ़ी शानदार दिखाई देती है। और पीछे साइड बात करें तो महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, महिंद्रा की बेजी मिल जाती है और थार की बेजी मिल जाती है जो काफ़ी अच्छा है। और टायर मिल जाता है, आप हर कंपनी का टायर अलग मिल सकता है, C8 और MRF जो भी आप टायर लेना चाहते हो सब मिल जाएगा, या तो C8 भी अच्छा रहता है। और पीछे साइड लाइट ब्रेक दबाते हैं, लाइट जल जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।